दोस्तों, मेरा नाम दक्षादव है। मैं युद्धी शिक्षा निकेतन महेंद्रगढ़ का छात्र हूँ। आज हम बहुत ही मुख्य विषय पर चर्चा करने वाले हैं, मोबाइल शिक्षा में साधक या बाधक। मोबाइल हमारे जीवन में एक जादू खिलौने के रूप में आया और जादू खिलौने ने हमारे पूरे जीवन पर एक अधिकार कर लिया। लॉकडाउन के बीच ऑनलाइन शिक्षा का यह अच्छा कदम मोबाइल के बिना असंभव था। इस संकट काल में मोबाइल ने हमें नई टेक्निक इस्तेमाल करने की नई स्किल डेवलप की है। मोबाइल हमारे सिलेबस को पूरा करने के साथ ही हमारी पढ़ाई को बनाए रखा, लेकिन मोबाइल फोन का यूज नशे की हद तक बढ़ जाने के कारण बच्चों में असभ्यता, अशिष्टता, असामाजिकता पनपने लगी है। इसके दुरुपयोग के कारण विद्यार्थी अपने उज्जवल भविष्य से भटक कर पतन की ओर जाने लगे हैं। आप सबको ये मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन सच है। हम सब सोते उठते मोबाइल फोन को ही याद करते हैं, बाकी रिश्ते तो हमारे आंखों से ओझल हो गए हैं। एक तरफ मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, दूसरी तरफ मोबाइल हमारा दुगनी तरीके से नुकसान भी कर रहा है। आशा करता हूँ हम सब मोबाइल फोन का यूज शिक्षा में साधक के रूप में ही करें। धन्यवाद।